आप लोग को सभी को नमस्कार। आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए मैडम, यह जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार, लेकिन लोग सोना समझ कर आते हैं। तो यह दरवाजा जो देख रहे मैडम, ये प्राचीन जमाने से दरवाजा बंद है, जो 3 माइल की लंबी गुफा बताया गया है, जहाँ से आपका गर्म पानी का झरना बह रहा है, उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाइएगा तो सप्तरनी गुफा और पिपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, तो 3 महीने के बाद उसी गुफा के प्रांगण में प्रथम बौद्ध सम्मेलन एक मीटिंग किया गया था, जो 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ किया गया था, और लिखा गया था सुपिटक विनय पिटक अभिधम, मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसर जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया। तो इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपना पिता को झूले वाली कारागार में तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या के गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान दे दिए थे। वो तो साधु थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल से पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को बंद कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया राजा बिंबिसार का खजाना जानकर, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाया तोड़ने का कोशिश किया, टूटा नहीं काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी को टेस्ट लिया तो ऐसा पता चला कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा। अगर ज्वालामुखी फटेगा तो आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी निर्भय के कारण भारत सरकार इसे राज का राज बना दिया। ये दरवाजा खोलने का एक मंत्र लिपि बताया गया मैडम, जो मंत्र का नाम था संख लिपि, कि जो भी व्यक्ति मंत्र को पढ़ेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगा। लेकिन भोलेनाथ की महिमा इस मंत्र को कोई पढ़ा नहीं, क्योंकि नालंदा के द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधे। इसे 1199 में सारी लाइब्रेरी में अल्लाह के बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाला, तो 6 महीने इसकी पुस्तक जलते रहा, देश विदेश इसकी पढ़ाई नहीं हुआ। इसी कारण से मुंशी सिंह बंसी सिंह का कोट भाषण में रह गया। ये गड्ढे जो देख रहे मैडम, इस गड्ढे से जैन धर्म का प्रतिमा मिला, जैसे 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ और आदित्यनाथ का प्रतिमा पाया गया। लेकिन दोनों पत्थर कीमती था, जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ हो गया यहाँ से निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। जब जैन धर्म का साधना नहीं हुआ तो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाया गया, माथे का सिर, कोटि का सिर, पैर, धर्मचक्र और शेष का निशान। तो थोड़ा बाहर में चलेंगे मैडम, जो देख रहे हैं मैडम संस्कृत पाली मिक्स है, इसे संस्कृत में अनुवाद किया गया है। निर्माणा लाभाय तपस्योगे शुभ गुहे अरहर प्रतिमा प्रतिशते आचार्य मुनि भैरव देव 30% AD। इससे क्लियर से निकलता है कि राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया, अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसाया। तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया, यानी 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया, एक पश्चिमी गुफा और इसकी बगल में पूर्वी गुफा। दोनों गुफाओं से जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला। उसी तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर, इनके माथे पर 7 फन का निशान था, जो अलादीन बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। ऊपर भाग कड़ी का निशान, लेफ्ट राइट साइड पिलर, ये छज्जेदार बरांडा था जो सभा मीटिंग हुआ करता था, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूटा, तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से इसे मरम्मत किया गया। इधर आ जाएंगे, ये जो देख रहे हैं मैडम, जैसे देखने में लग रहा है आपका अशोक चक्र, लेकिन ये जैन धर्म चक्र है। अशोक चक्र में 24 तिलियां होते हैं, जैन चक्र में 32 तिलियां होते हैं। एक नारी का फिगर पूज्य की थाल ली हुई किसी मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जा रही थी। कुछ लिपि ऊपर पाया गया है,
कुछ इस दीवार पर, कुछ इस दीवार पर, जो शंख लिपि के नाम से जाना जाता है, इसे आज तक पढ़ाई नहीं हुआ। तो इसकी बगल वाली गुफा में चलेंगे जहाँ पर डबल स्टोरी आपका पाया गया है। ये गुफा जो देख रहे हैं, ये जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। जब इसकी रिसर्च 1905 में किया गया तो डबल स्टोरी मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का। लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूटा तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु जब इसकी पत्थर बाहर किया गया तो दीवालों पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रतिमा मिला, एक भगवान गरुड़ विष्णु का भी प्रतिमा मिला। उसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। तो भीतर में आ जाएंगे। ये कुछ शंख आकार का शंख लिपि यहाँ पर भी पाया गया है, लेकिन आज तक इसकी पढ़ाई नहीं हुआ जो शंख आकार का पाया जाता है। भीतर में आएंगे मैडम। ये प्रतिमा जो देख रहे हैं मैडम, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म गुप्तर काल पीरियड में एक धर्म से दो धर्मों को मानने लगे थे, दिगंबर और सितंबर। जैसे में 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ और इसकी बगल में अजीत नाथ का प्रतिमा पाया गया। ये जो प्रतिमा देख रहे हैं, जब भगवान बुद्ध गया में बौद्ध ब्रिज के पास भी तपस्या किए थे तो उनका बनाया गया, लेकिन अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने सभी प्रतिमाओं को नष्ट किया। और ये भगवान बुद्ध का माता का नाम था माया। माया को संतान नहीं होता था तो सफेद तारा और सफेद हाथी छह दांत वाले उनको दर्शन दिया कि आपका जो संतान पैदा लेगा अज्ञानकारी और शिक्षित लेगा। तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ तो सात कदम कमल का फूल पर चलने लगा, उनकी माता मृत हो गए। तो पुराना राजगीर बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो आजाद शत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। गिरी का मतलब होता है पहाड़, वर्ष विश्ववासी। तो राजगीर पांच पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे में पिपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और वैभवगिरी की भैली में सोन भंडार बसा हुआ है। तो ये सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का साधना गिरी है, लेकिन लोग खजाना जानकर आते हैं मैडम। तो बोर्ड पर साफ लिख दिया गया है सोन भंडार। स्वर्ण भंडार रहता तब सोना का भंडार होता। मेरा नाम हुआ रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। जय हिंद, जय भारत।